बाबा रामदेव पर कार्यवाही तय है। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, माफीनामे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे और माफी मांगेंगे, ऐसा नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीने का अधिकार देता है, राइट टू लिव, और यह इलाज का भी अधिकार देता है, यह अच्छी दवाएं मिले इसका भी अधिकार देता है, यह शुद्ध पानी मिले, शुद्ध वातावरण में रहने का अवसर मिले, और यह भी अधिकार देता है, राज्य के दायित्व को भी निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में नहीं मरेगा और ना ही भोजन के अभाव में मरेगा, दवाओं का इंतजाम राज्य करेगा। अब बाबा ने कोरोना के समय एक दवा निकाला, कोरोनिल, जिसके बारे में अपने ही बाबा अपनी मार्केटिंग अपने ही करते हैं बढ़िया से। उन्होंने इस दवा के बारे में बताया और दावा किया, दवा का दावा किया कि यह कोरोना में संपूर्ण रूप से कारगर है हमारी दवा। लोगों ने दवा को खरीदा भी, जब टेस्ट हुआ तो दवा फेल हो गई, लेकिन बाबा छपे रहे, सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। यह वही बाबा हैं, हम बाबा के विरोधी नहीं हैं, बाबा के कैंप में भी गए थे, 6-7 दिन हम पैसा दे करके रुके थे वहाँ, और हम भी वही कपाल भाती अनुलोम विलोम किए थे बाबा में, तो हरिद्वार गए थे, या बहुत पहले की बात है, हमें लग रहा है कि 2006-7 में गए रहे होंगे। तो अब बाबा का केस था न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अमानतुल्लाह की कोर्ट में, यह याचिका किया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, कहा था साहब सारी अंग्रेजी दवाओं की ऐसी की तैसी इन्होंने कर दिया और सब हम लोगों को फ्रॉड और चोर बना रहे हैं, ऐसे शब्दों से यह नवाज रहे हैं, ऐसे जैसे दुनिया में सबसे घटिया लोग हम ही लोग हैं, और जो हमारी दवाएं हैं वो पूरी तौर पर निष्क्रिय हैं, हमारी दवाएं जानलेवा हैं और इनकी दवाएं बहुत अच्छी हैं। कोर्ट के मामले पर उसकी टिप्पणी पर हमने पहले भी वीडियो किया था, कोर्ट ने कहा था हम तो आपको देखते हैं, जज ने कहा हम आपको देखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं आप, और किस तरह से लोगों को योग की तरफ मोड़ने का काम किया आपने, किस तरह से लोगों में रुझान पैदा किया कि किस तरह से सेहत ठीक रखना है, कैसे योगा करना है, जीवन को किस तरह से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है, इसको हम सभी ने सीखा, लेकिन बाबा यह सब आप क्या कर रहे हैं। अब बाबा का जो माफीनामा था बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से, उस माफीनामा को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके पहले भी एक माफीनामा गया था 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल को जो माफीनामा गया था उस पर कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा यह माफीनामा है कि खानापूर्ति है, माफीनामा ऐसे दिया जाता है। माफीनामा में कहा इस बार अब जो आज माफीनामा गया, हुजूर गलती हुई है, बिना शर्त माफी मांगा, क्या बोला, हुजूर गलती हुई है, हुजूर अब ऐसा नहीं होगा और गलती दोहराऊंगा नहीं, जो हो गया सो हो गया हुजूर, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर माफी मांगा था, लेकिन उसके बाद फिर वैसा ही किया, तो कोर्ट ने इसको अवमानना माना कि अवमानना का केस है और अवमानना के तौर पर इसे ट्रीट किया जा रहा है। बाबा के अधिवक्ता थे मुकुल रोहतगी और विपिन सांची, उनको भी पसीने छूट रहे थे, और कोर्ट ने कहा जानबूझकर अवहेलना किया है, जाने अनजाने में हो जाता है, अनजाने में हो जाता है तो वो हम माफ करने योग्य है, जानबूझ करके आपने पंगा लिया है। और आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना, अवमानना करना कितना बड़ा अपराध है, फिर कानून का मतलब क्या रहेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब दोस्तों अगली तारीख 16 अप्रैल को सुनवाई की तिथि है, भूचाल आ गया है। अवमानना के मामले में एक बार बिहार के मुख्य सचिव को तलब किया था पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, मामला अवमानना का था, लोग जानना चाहेंगे अवमानना में होता क्या है, मुख्य सचिव वहां पेश हुए, लिखित जवाब दिया अवमानना के संबंध में, हाथ से लिखा हुआ था,
मुख्य न्यायाधीश ने कहा इसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, आपने जो लिखा है थोड़ा इसको पढ़ के बता दीजिए। मुख्य सचिव ने कहा हमने आंख में दवा डाला है। कोर्ट ने कहा दवा का असर कितने देर तक रहेगा? मुख्य सचिव ने कहा साहब जो करना हो कर लीजिए, जो करना हो करिए। अब यह मुख्य सचिव का अहंकार था, उस आईएएस अफसर को यह नहीं पता था कि वह कहां और किस जगह इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। कोर्ट ने उनको कस्टडी में ले लिया। यह अवमानना के मामले में, अब मैं नहीं जानता इधर के दिनों में मैंने इसे पढ़ा था, यह पहला मामला था जब किसी चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट ने अवमानना के मामले में हिरासत में ले लिया हो। अभिरक्षा में ले लिया गया और मचा हड़कंप। उस समय राबड़ी देवी थी बिहार की मुख्यमंत्री। कभी आप देख लीजिएगा, अगर कहीं मिलेगा तो मैं भी खोजने का प्रयास करूंगा। मैंने इसे पढ़ा था और राबड़ी देवी ने फोन किया मुख्य न्यायाधीश को, अरे साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई है, जो भी कहा उन्होंने। उसमें लिखा मुख्य न्यायाधीश ने कि हे भगवान, हे प्रभो, जो भी लिखा हो इस तरह के, मतलब परमात्मा से संबंध था, उस शब्द का अक्षर सा मुझे याद नहीं है। हे भगवान, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि यह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। यह सीधे सीधे इशारा मुख्यमंत्री की तरफ था। तो बाबा रामदेव को यह लगा होगा कि सैया भय को तवाल, अब डर काहे का। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया कोर्ट बिक चुका है, न्यायालय बिक चुका है, अगर सब कुछ बिक जाता ना तो यह धरती नहीं रहती। अगर सब कुछ बिक जाता तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह से SBI को सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया और डंडा करके पाई पाई समाज के सामने रखा, यह पारदर्शिता जिस तरह से कायम की गई, कोर्ट नहीं रहता तो यह लोग जैसे चाहते वैसे करते। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, और मैं पूर्ववर्ती सरकारों की भी बात कर रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं है, बहुत हद तक प्रभावित किया है इन लोगों ने, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर जज की नियुक्ति मानक के अनुसार नहीं होगी, अगर सरकारी अधिवक्ता अपने अपने पार्टी का, सबने यही किया है, अब अलग से वीडियो कभी करूंगा, ऐसे ऐसे अधिवक्ताओं को रखा है जिनको नहीं पता है, डिग्री की जांच की जाए तो पोल खुल जाएगा, उनसे अगर बैठा करके कैमरे के सामने बातचीत किया जाए तो फेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग यदि सरकारी अधिवक्ता होंगे और वही अभियोजन का पक्ष रखेंगे तो होगा क्या? ऐसे ही जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने अपराध किया है वह छूटेंगे। कुल मिलाकर के गलती हुई है हुजूर, अब ऐसा नहीं होगा, बिना शर्त माफी मांगता हूं हुजूर, अब इस गलती को दोहराऊंगा नहीं, क्षमा कर दीजिए। लेकिन कोर्ट क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। एलोपैथिक के निगेटिव प्रचार का मामला है और कोविड की दवा कोरोनिल और अन्य दवाओं का जो प्रचार किया था, जो फेल हो गई थी, उसका मामला है। कोर्ट आगे क्या करेगी अगले तिथि पर, 16 अप्रैल का इंतजार करिए। फिलहाल पतंजलि योगपीठ में पसीने छूट रहे हैं, और चूंकि केंद्र सरकार का बर्दस्त है इनके ऊपर, प्रदेश सरकार का भी है, अब क्या होगा आगे, या तो अतीत के गर्भ में है, फिलहाल बाबा रामदेव संकट में है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।